हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, शिव जी का मंदिर है बटेश्वर नाम से। तो शाम के 5 बज रहे हैं अभी, देखते हैं आज आरती मिलती है कि नहीं मिलती, इसलिए शाम को निकले हैं ताकि आरती मिल जाए। तो अब दर्शन करते हैं। ये मंदिर का स्टार्टिंग गेट है जो अभी काफ़ी दूर है, यहाँ से मंदिर 3-4 किलोमीटर है। तो ये स्टार्टिंग में गेट मिलता है, वो गेट है। तो अभी अपन चलते हैं आगे। जगह कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो दोनों तरफ जंगल से टाइप का, बीच में रोड। तो अब अपन पहुंच गए हैं मंदिर पे ही। ये मंदिर का गेट है, मेन गेट नहीं है, पर ये गेट है जो मेन से पहले पड़ता है। तो अब अपन मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तो अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं। चलते हैं आगे, अभी चलते हैं थोड़ा नदी के पास। गंगा जी हैं यहाँ पर, तो उनके दर्शन करते हैं, गंगा नदी पर चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। वहाँ से आगे का दिखाते हैं आपको। डर लग रहा है पापा। तो अपन अब मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। ये मंदिर में अपन एंट्री कर चुके हैं, अभी मेन गेट ये है, बट इसमें अभी ताला लगा है क्योंकि अभी मंदिर में आरती का टाइम हो रहा है ना, इसलिए मूर्ति थोड़ी सजाई जा रही होगी। तो अपन ये पीछे जो मूर्ति है इसके दर्शन करते हैं शिव जी की। ये नंदी जी और ये मूर्ति है इनकी। अब यहाँ से अपन, ये नदी है अपनी यमुना नदी जो बटेश्वर होके हुए निकली हुई है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, अभी शाम का टाइम है इसलिए। फिर अब अपन चलते हैं, आपको आरती के टाइम पे मिलते हैं। आरती के देखते हैं कब होती है, तो आरती दिखाएंगे आपको। अभी मूर्ति रेडी नहीं हुई होगी, ये देखिए ये मूर्ति अभी ना रेडी हो रही है, अभी ये सजेगी मूर्ति। तो आपको शाम को मिलते हैं, आरती दिखाते हैं आप। एक ये अपना गौरा जी का मंदिर है, तो इसके भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को मिलते हैं सीधा आरती में। तो यहाँ पे शिव जी की ही मूर्ति है और गौरा जी की है, पार्वती जी की। तो काफ़ी प्यारी मूर्ति है, यहाँ पे ठंड पड़ रही है इस वजह से मूर्ति को ढका जा रहा है ना।